press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Adda247. Bell icon dabaiye, Adda247 ki sari notifications paiye. Adda247, government job in your pocket. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Adda247. Bell icon dabaiye, Adda247 ki sari notifications paiye. Adda247, government job in your pocket. हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द लाइव सेशन ऑफ Adda247। आज हम रेलवे एग्ज़ाम के लिए कैलकुलेशन की कुछ ऐसी ट्रिक्स सीखेंगे जिन्हें एक ट्रिक ना कहकर मैं कहूँगा कि बेसिक चीज़ें, राइट, जिन बेसिक चीज़ों पर हम बचपन से ध्यान नहीं देते, ठीक है, लेकिन वो बेसिक चीज़ें कैलकुलेशन को कितनी आसान बना सकती हैं ये आज आपको पता लगेगा, राइट। उनमें से हम कुछ बातें आज सीखेंगे। तो बेसिकली इस सेशन का जो एजेंडा है वो ये है कि सबसे पहले तो हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाए, और मेनली मल्टीप्लिकेशन विथ 5, 25 एंड 125 दिमाग में कैसे करें, ये चीज़। डिवीज़न कैसे करें 5, 125 एंड 25 से, वो सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे परसेंटेज, 25%, 12.5%, 6.25%, इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, राइट। उसके बाद हम परसेंटेज के जो कैलकुलेशन होती है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, उसको सीखेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। और आखिरी में बहुत ही ज़रूरी चीज़ कि फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे किया जाए, बड़ी बड़ी फ्रैक्शंस को कैसे हम आसानी से कंपेयर करें, बिकॉज फ्रैक्शंस कंपैरिजन के क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वो भी हम देखेंगे कि फ्रैक्शंस को कैसे आसानी से कंपेयर किया जाए, ठीक है। तो चलिए, तो आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं, राइट। और सबसे पहले हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करें, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन का जो बेसिक है, देखो मल्टीप्लिकेशन जल्दी कैसे किया जाए, कैसे मल्टीप्लिकेशन को जल्दी करें। जैसे कि अगर मुझसे कहा गया 21 into 232, ठीक है, अगर मुझे इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है तो देखो मैं कैसे करूँगा। चाहे नंबर 3 डिजिट का आए, चाहे 4 डिजिट का आए, चाहे 2 डिजिट का नंबर हो, चाहे कितने भी डिजिट का नंबर हो, हर एक के लिए कॉमन ट्रिक काम आएगी या कॉमन मेथड है वो काम आएगा। देखो कैसे, यहाँ पर मैंने लिखा 21 पहला नंबर और दूसरा नंबर है यहाँ पर 232, मैंने इस तरीके से इसे लिख दिया, ठीक है। अभी आप 4-5 क्वेश्चन की जब इस मेथड से प्रैक्टिस करोगे तो मेथड बहुत ही आसान आपको लगने लगेगा। 2 into 2 किया कितना आया 4, 2 into 3 किया कितना आया 6, 2 into 2 किया कितना आया 4, ठीक है, 1 into 2 किया कितना आया 2, 1 into 3 किया कितना आया 3, 1 into 2 किया कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमें इस तरीके से डायगनली इनको डिवाइड कर देना है, डायगनल में, ठीक है। तो देखो 2 को ऐड किया तो 2 को तो 2 ही आएगा, 4 और 3 को ऐड किया कितना आएगा 7 आएगा, 6 और 2 को ऐड किया कितना आ गया 8 आ गया, और 4 का केवल 4 आ गया, तो आंसर हो गया 4872, आंसर हो गया 4872, ठीक है। हाँ बिल्कुल, सूरज ने बोला कि सर क्या ये बैंक के लिए नहीं, देखो बैंक के लिए भी जो कैलकुलेशन है वो तो कैलकुलेशन वाला पार्ट तो सारे एग्जाम के लिए होता है, चाहे SSC हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, ठीक है, लेकिन जो फोकस रहेगा वो रेलवे एग्जाम पर रहेगा, ठीक है। तो बैंकिंग वाले अगर चाहें तो डेफिनेटली उनको काफ़ी ज़रूरी चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिल सकती हैं, ठीक है। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ऐसे में 2-3 एग्जाम्पल जब आपको दूंगा तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, ओके। तो आंसर आया इसका 4872। अब देखो कितनी आसानी से आंसर आ गया। लेट्स से अगर मैं कोई भी और एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है, एक नंबर है 26 और दूसरा नंबर है 423, लेट्स से ये नंबर है, ठीक है, इनका मुझे मल्टीप्लाई करना है, बताना है कि आंसर क्या होगा। तो देखो तरीका क्या है, जो मैंने बताया था 26 यहाँ लिखा एंड 423 यहाँ लिख दिया, कैसे भी लिख दो आप, 26 को यहाँ लिखते 423 को यहाँ लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप कैसे भी लिख सकते हो। फिर इस तरीके से मैंने बना दिया, ठीक है। अब देखो सबको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 into 4, 2 into 2, 2 into 3, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डबल कर दो सबका, 8, 4 एंड इसका डबल 6। फिर सबको 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 एंड 6 3 जा 18, ये आ गया। इसके बाद कुछ नहीं, बस ये तो 18 का 8 लिखा कैरी लगा दिया 1, 12 और 6 18 और 1 19 हुआ कैरी लगा दिया 1, 24 और 4 28 और 1 29 हुआ कैरी लगा दिया 2, 8 और 2 हो गया 10, आंसर इज व्हाट 10998, आंसर इज व्हाट 10998, ओके ओके क्लियर है। चलो और मैं बताता हूँ आपको, बड़े बड़े नंबर्स का भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे कि सपोज 4 डिजिट के नंबर आ गए
देखो हर एक मेथड के लिए अलग अलग मेथड सीखने से कोई फायदा नहीं है। हर एक जैसे अगर 4 डिजिट का आ गया तो ये मेथड लगाऊं, 3 डिजिट का आ गया तो ये, ऐसा सीखने सबके लिए कॉमन मेथड, ताकि आपको एग्जाम में या दिमाग पर बर्डन ना हो, आप सब में एक कॉमन मेथड लगा सकें। देखो जैसे कि 1012 × 3124 इसका मल्टीप्लाई करना है। अब आप देखोगे अगर नॉर्मल करोगे तो काफ़ी समय लगेगा, मैं तो वही सेम मेथड लगाऊंगा, ठीक है, कुछ नहीं करूंगा। 1012 को यहाँ लिखूंगा और 3124 को यहाँ लिख दूंगा, ठीक है, देखो इस तरीके से, ठीक है। क्या होगा कि 1 से सबको मल्टीप्लाई करना है तो एज इट इज़ 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो उतना ही आएगा, 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सारे 0 आएंगे, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा उतना ही आएगा 3124, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा सबको तो डबल हो जाएगा 6248, बस उसके बाद तो कुछ नहीं, डायगनल 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 इस तरीके से स्प्लिट कर दिया। अब बस ऐड कर दूँ, 8 4 4 8, 2 2 4, 6 और 4 10, और 11 का 1 कैरी 1, 3 और 2 5 और 1 6, 1 और 3 आंसर 3161488। क्या इससे भी जल्दी कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत आसान मेथड है, सारे मल्टीप्लिकेशन में एक कॉमन मेथड आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, सारे मल्टीप्लिकेशन इसी मेथड से आपके हो जाएंगे। देखो 4 4 डिजिट के नंबर का ही मल्टीप्लाई हो गया, ओके क्लियर है, चलो तो एक बात हुई, मल्टीप्लिकेशन का एक कॉमन मेथड मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, सारे मल्टीप्लिकेशन आप इससे कर सकते हैं। अब कुछ स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लिकेशन जो बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, तो वो है जैसे कि मल्टीप्लिकेशन विद 5, 25 and 125, 5, 25 और 125 से जल्दी मल्टीप्लाई कैसे करें, ठीक है। अब इस पर बेस क्वेश्चन भी करेंगे। देखो जैसे कि अगर मुझे करना है लेट्स से 64 × 5 करना है और 1 सेकंड में मेरा आंसर आना चाहिए, ठीक है, मुझे ऐसे करने की जरूरत ना पड़े कि 5 चौक 20 कैरी 2, 5 और 6 5 × 6 30 और 2 32, इस तरीके से नहीं, ठीक है। हमें देखो क्या करना है, हमें एक चीज़ सोचनी है कि 5 जो होता है वो क्या होता है, 10/2 होता है, ठीक है, तो जहाँ भी मुझे 5 दिखे मैं उसे 10/2 से रिप्लेस कर दूँ। तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 64 × 10/2, क्लियर है। तो बेसिकली ये बनेगा क्या, और ऐसा लिखना नहीं है, सोचना है, 640 का आधा कितना होगा, 320, तो वही मेरा आंसर हो गया। ये करना बहुत आसान होता है, राइट, 5 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा, ये तो बहुत छोटा नंबर है, ये तो चलो दिमाग में भी कर सकते हो, लेकिन बड़ा जब डेसिमल नंबर आ जाएगा तब क्या करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है सीखना कि 5 को 10/2 लिख सकते हैं, इसी तरीके से हम 25 को 100/4 लिख सकते हैं, 100 का 1/4 होता है 25, ठीक है, इसी तरीके से 125 को मैं लिख सकता हूँ 1000/8, 1000/8। ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं 5, 25 और 125 के मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब जैसे कि अगर मुझे 64 को 25 से मल्टीप्लाई करना होता तो मैं क्या करता, देखो ऐसे नहीं करता कि 25 चौका 100 कैरी 10, इस तरीके से नहीं, देखो इस तरीके से करते, 64 और ये 25 क्या है, 100/4, मतलब 64 100/4, 6400 × 1/4 1600 आंसर 1600, बस आप 1 सेकंड में आंसर निकाल सकते हो दिमाग में। 64 को 125 से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करेंगे, 1000/8 लिख सकते हैं इसको, 1000/8 मतलब 64 के आगे 3 जीरो लगाकर 8 से डिवाइड कर देना है, मतलब 64000/8, ये हो जाएगा कितना, हो जाएगा 8000, आंसर हो गया 8000, तीनों के आंसर आ गए 1 सेकंड में, राइट, ठीक है, क्लियर है बात। देखो और भी चीज़ें हम सीखेंगे, काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखेंगे, हम कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन का ऐसा मेथड सीखेंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुना हो, ठीक है, लेकिन फिलहाल हम बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन विद 5, 25, 125। अगर ये चीज़ें क्लियर है तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, ठीक है, आपको उनके आंसर बताने हैं। चलो तो क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है 64.8 × 5, विद इन 1 सेकंड आपका आंसर आना चाहिए, 1 सेकंड के अंदर, ठीक है, और मैं चाहूँगा कि आप इसमें पेन भी यूज़ ना करें, पेन की भी जरूरत ना पड़े, ठीक है, पेन ही यूज़ किया तो मेथड का फ़ायदा क्या हुआ, इससे अच्छा तो मल्टीप्लाई कर लेते, दिमाग में मेंटल कैलकुलेशन जितनी ज़्यादा करोगे स्पीड उतनी अच्छी बढ़ेगी, राइट, क्योंकि अधिकतर 90% स्टूडेंट की यही क्वेरी रहती है कि सर हमारी स्पीड नहीं बन पा रही है, ठीक है, तो स्पीड बनाने का तरीका है मेंटल कैलकुलेशन, जितना दिमाग को शार्प करोगे उतना ही मज़ा आएगा। 64.8 × 5 क्या होगा,
देखो मैंने क्या बताया कि 5 क्या होता है, 10 बाई 2 होता है, 5 क्या होता है, 10 बाई 2, मतलब इसमें 10 से गुणा करके 2 से डिवाइड कर देना है, मतलब क्या बनेगा 648 बटा 2, 2 से 3 बार, 2 बार, 4 बार, आंसर इज व्हाट 324, आंसर क्या आया 324, एक सेकंड में आंसर आ सकता है, राइट, मल्टीप्लाई नहीं करना था, मुझे डिवाइड करना था, ठीक है, 2 से डिवाइड करना बहुत आसान होता है किसी भी नंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, चलो तो इसको एक प्रैक्टिस सेशन की तरह आप लीजिए, मैं आपको बताऊंगा, पहले चीज़ें बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चंस काफ़ी सारे कराऊंगा ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। नेक्स्ट इज 424.2 इंटू 5, जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा, मतलब दिमाग में ही सॉल्व करना है। और जैसे जैसे आपको चीज़ें समय में आती जाएं वीडियो को लाइक भी करते चलिए, ठीक है। 424.2 डिवाइड मल्टीप्लाइड विथ 5 क्या होगा, जल्दी बताओ जल्दी। टू वन आंसर आने शुरू हुए, देखो क्या है, 10 से मल्टीप्लाई करो 4242 और डिवाइड बाई 2 कर दो, 42 का आधा 21 और 42 का आधा 21, आंसर 2121। ऐसा करते 5 2 10 कैरी 1, फिर टाइम लगता और लिखकर करना पड़ता है, ऐसे किया दिमाग में हो गया, ठीक है, आंसर क्या आ गया 21 21, 42 का आधा 21, 42 का आधा 21, खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आंसर देना है, बताए कि 12.48 मल्टीप्लाइड विथ 25, व्हाट्स द आंसर बताओ, 12.48 मल्टीप्लाइड विथ 25, क्या आंसर होगा, देखो 312 आंसर आया, 312, देखो क्या है, ये क्या होता है 100 बाई 4 होता है, हमें पता है 100 बाई 4, दिमाग में 100 से मल्टीप्लाई किया तो 1248, बाई 4 किया तो 1200 का आधा, तो 1200 का 1/4 तो 300 होता है और 48 का 1/4 12 होता है, आंसर 312 हो गया, आंसर 312। यहाँ पर भी कुछ लोगों ने गलत आंसर किया है, 212, 412, सोचो आप खुद सोचो कि इस टाइप की कैलकुलेशन में जहाँ मैं एक सेकंड में दिमाग में ही आंसर निकाल सकता हूँ वहाँ गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, आंसर इज 312, क्लियर, ओके चलो 312 इज द राइट आंसर और इस तरीके से हमें करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40.216 मल्टीप्लाइड विद 125। अब देखो इतनी बड़ी सी कैलकुलेशन है, ठीक है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन है, लेकिन कैलकुलेशन आसान बन जाती है जब हम छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करना शुरू करते हैं तब, ठीक है। 40.216 मल्टीप्लाइड विद 125 क्या होगा, फाइव ट्वेंटी सेवन लोगों का आंसर, देखो क्या है 125, जैसा कि मैंने बताया क्या होता है 1000/8 होता है, ठीक है 1000/8, तो 40.216 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 40216 आया, डिवाइड बाई एट करेंगे 40,000 है, 40,000 डिवाइड बाई 8 क्या होगा 5000 होगा, 5000 और 216 डिवाइड बाई 8 क्या होगा, तो बनेगा 5000 और 216 डिवाइड बाई 8 क्या होगा 8 2 times 8 7 times 5027। देखो गलती वही कर रहे हैं आप, ठीक है, आपको लग रहा होगा छोटी छोटी टेक्निक्स हैं ये तो बहुत आसान है, लेकिन आप खुद ही देख लो आप खुद कितनी गलती कर रहे हो, 527 आप इसका आंसर कर रहे हो,
आप इसका आंसर कर रहे हो 527, जो कि कैसे भी नहीं हो सकता। आप 40 और 100 का मल्टीप्लाई करोगे तब भी 4000 आएगा, 40 और 100 भी ले लेता ना तब भी 4000 आता, तो आप सोचो कि आंसर 4000 से ज़्यादा ही आना चाहिए ना। तो आंसर 5027 है ना कि 527। यही गलती आप एग्जाम में कर देते हो, इससे 5 बार काटा फिर 527 लिख दिया। ठीक है, ओके, क्लियर है, 5027 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 84.4 मल्टीप्लाइड विथ 5 प्लस 92.44 मल्टीप्लाइड विथ 25 प्लस 16.16 मल्टीप्लाइड विथ 125, इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? 84.4 मल्टीप्लाइड विद 5, 92.44 मल्टीप्लाइड विद 25, 16.16 मल्टीप्लाइड विद 125। क्विक, जल्दी से आंसर चाहिए इसका। 84.4 मल्टीप्लाइड विथ 5, 92.44 मल्टीप्लाइड विथ 25, 16.16 मल्टीप्लाइड विथ 125। अलग अलग आंसर आ रहे हैं, देख लो आप। आप देखो कि कितनी छोटी सी कैलकुलेशन है, छोटी सी बात है, समझने में भी आसान। देखो क्या है, 10/2 है तो 844/2 हो गया। दिमाग में भी कर सकते थे लेकिन मैं एक्सप्लेन करने के लिए लिखता हूँ। ये 100/4 है, मतलब 9244/4 हो गया। और ये क्या होता है, 1000/8, 1000 से मल्टीप्लाई किया, 16160/8 हो गया बस। अब देखो, दो से डिवाइड किया तो 422 ये आएगा, ये कितना आएगा, 4 से 92/4 कितना होता है, 23, 44/4 क्या होता है, 11, 23/11। और ये 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 × 16 0। ठीक है, देखो अलग गलती ऐसी ना हो उसके लिए क्या करें कि इसको 16000 को अलग माना, 16000/8 कितना होगा, 2000, और 160/8 कितना होगा, 20, तो 2020 बनेगा ना कि 220। बहुत सारे लोग इसको 220 भी लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो ऐड कैसे करें, 400 2300 2300 और 4 कितना होता है, 2300 और 4 कितना होता है, 27 27 और 20 कितना होता है, 37, 3700 3700, 22 and 20 42 plus 11 53, सो 3753, दिस इज द आंसर। ओके, सॉरी, 23 + 20 = 43 + 4 = 47, तो 4753 इज द। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, 4753। देखो अधिकतर लोगों ने यहाँ पर गलत आंसर दिया था और बिल्कुल आंसर के नज़दीक भी नहीं है, 2953 कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग 293246 भी कह रहे हैं, अलग अलग आंसर कह रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान था। ठीक है, अगर हम सही तरीके से सही डायरेक्शन में इसको सॉल्व करते तो क्वेश्चन विद इन 10 सेकंड सॉल्व भी हो सकता है। ठीक है, आप इस वाले स्टेप को अवॉइड कर सकते हो, आप डायरेक्टली दिमाग में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, ये केवल एक्सप्लेन करने के लिए लिखा गया, आंसर इज 4753, क्लियर है। चलो अब आगे बात करते हैं कि इस चीज़ को हम डिवीजन में कैसे यूज करें। तो अगर मैं एक क्वेश्चन आपको दूँ कि 1212 डिवाइडेड बाई 125 डिवाइडेड बाई 125 प्लस 2121 डिवाइडेड बाई 25, क्या आंसर होगा इसका? विद इन 5 सेकेंड्स मुझे इसका आंसर करना है, तो क्या आंसर करूंगा? नाइन्टी फोर पॉइंट फाइव थ्री सिक्स तो 1212 डिवाइड बाई 125 प्लस 2121 डिवाइडेड बाई 25। ओके, देखो क्या है,
1212 डिवाइड बाई 125. मुझे पता है कि 125 से अगर मैं ऐसे नॉर्मली डिवाइड करने पे आऊँगा तो बहुत समय लगने वाला है. मैं क्या सोचूंगा कि 125 को मैं 1000 बना सकता हूँ. कैसे बना सकता हूँ? 8 से मल्टीप्लाई करके. तो दोनों में 8 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे बैलेंस करने के लिए. 25 को मैं 100 बना सकता हूँ 4 से मल्टीप्लाई करके. 4 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए. 1212 12 इंटू 8 96, 12 इंटू 8 96, 12 इंटू 8 96, 9696. 125 इंटू 8 बन गया 1000. ओके, नाउ 21 इंटू 4 84, 21 इंटू 4 84, 25 इंटू 4 100. बस ख़त्म. ये क्या बनेगा? 9.696. और ये क्या बनेगा? 84.84. ऐड कर देंगे दोनों को तो एग्जैक्टली कितना आएगा? 94.536. सो आंसर क्या है इसका? 94.536. आंसर क्या हुआ? 94.536. क्लियर है? ओके, ठीक है. चलो तो ये चीज आपको क्लियर होगी. अब बात करते हैं अगले सवाल की. अब अगले सवाल में आपके पास पूरा पूरा चांस है, पूरा मौका है. आप सीख सकते हैं, सीख चुके हैं कि डिवीजन कैसे करते हैं 25 125 से. तो अब अगले सवाल में इस चीज़ को अप्लाई कीजिए. 125 प्लस 11.75 अपॉन 25. बताओ इसका आंसर क्या होगा? 12.25 डिवाइडेड बाई 125 प्लस 11.75 डिवाइड बाई 25. जल्दी बताओ इसका आंसर. इतना समय नहीं है, 10 सेकंड का समय है केवल आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. राइट, लगता है स्टूडेंट सॉल्व करने में लगे हुए हैं. मैं वेट करता हूं फर्स्ट आंसर का. सबसे पहले कौन आंसर देता है? लेट्स सी. ओके, अजय ने आंसर दिया 0.568. चलिए ओके. देखो क्या है कि 125 को 1000 बना लेते हैं ना, 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर भी 8 से. 25 दिखा तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां भी 4 से कर दिया. अब देखो चीजें कितनी आसान हो गई. 12 इंटू 8 कितना होता है? 96 होता है. 0.25 इंटू 4 1 होता है, तो 0.25 इंटू 8 क्या होगा? 2. 96 प्लस 2 मिलकर कितना बनेगा? 98 बनेगा. ऐसे मैंने मल्टीप्लाई किया दिमाग में और ये क्या हो गया? 1000 प्लस क्या हुआ? 25 इंटू 4 कितना हो गया? 100 हो गया. अच्छा, 11 इंटू 4 44 हो गया. 11 इंटू 4 44 होता है. 11 इंटू 4 44. 0.75 का डबल 1.5 और उसका भी डबल 3. तो 44 प्लस 3 बन गया 47. क्लियर है? देखो मैंने मल्टीप्लाई कैसे किया था. 12 इंटू 8 96 और 0.25 इंटू 8 यानी कि 2. यानी कि 96 प्लस 2 कितना बन गया? 98. यहां पर 11 इंटू 4 44. 0.75 इंटू 4 कितना होगा? 3. क्योंकि 0.75 का डबल 1.5 होता है, उसका भी डबल 3 होता है. तो 44 प्लस 3 47. अब देखो यहां 1000 है, यहां भी 1000 बना लेते हैं ना. तो एक एक जीरो ऐड कर दी दोनों में. 98 प्लस दिस 568 डिवाइड बाई 1000 बनेगा. तो आंसर क्या आएगा? 0.568. कैलकुलेशन आसान बनेगी और कभी गलती भी नहीं होगी इस मेथड में. एक बात याद रखिएगा कि गलती बिल्कुल नहीं होगी अगर आप इस तरीके से करते हो, और चीज़ें बहुत ही आसान लगेंगी, कम समय में सॉल्व होंगी. ठीक है, आंसर होगा 0.568. ठीक है, ओके. अब आप देख लो कि अब जो छोटी छोटी बातें थी आपको इनिशियल जब मैंने शुरुआत में बताया था, तो कुछ लोग कह रहे थे कि सर थोड़ा लेवल बढ़ाओ. देखो लेवल वाला क्वेश्चन आया तो सब गलती करने लगे. राइट, कुछ लोगों ने हालांकि सही आंसर दिया था, लेकिन अगर ये भी नहीं पता होता तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगता और गलती पक्का होती. ठीक है, ओके. तो छोटी छोटी कैलकुलेशन ट्रिक से ही बड़ी चीज़ें बनती हैं. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूँ, अगर डायरेक्टली 125 ना आकर इस तरीके से आ जाए कि 0.16 इंटू 12.5, ठीक है, इस तरीके से आ गया, प्लस 86.4 इंटू 0.5 इज इक्वल टू व्हाट? क्या करेंगे अब इसमें पर?
0.16 into 12.5 plus 86.4 into 0.5. स्वेथम कुमार ने सबसे पहले आंसर दिया है, अनुषा ने भी बोला है 45.2, अल्पना इज ऑल्सो सेइंग 45.2। देखो क्या करेंगे, क्या करना है, देखो एक काम करते हैं, 12.5 को मैं 125 बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ से यहाँ पर 10 से डिवाइड कर दूंगा, मतलब सेम चीज़ को मैं दिमाग में कैसे सोच सकता हूँ, यहाँ 10 से डिवाइड किया तो 0.016 बना, और इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 125 बन गया। है आसान, कोई मुश्किल नहीं है, राइट। अब 125 क्या होता है, 1000/8 होता है, ये क्या होता है 1000/8, मतलब इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 16 बन गया, बाय 8 हो गया, मतलब क्या हो गया, 2 हो गया, ये तो 2 हो गया। दिमाग में देखो कितनी आसानी से हो गया। अब इसको देखो, 0.5 से मल्टीप्लाई मतलब हाफ, 0.5 का मतलब क्या होता है, 1/2, इसको मैं 1/2 भी तो लिख सकता हूँ, 10/2, 5 होता तो 10/2 लिख देते, अगर 0.5 है तो 1/2 लिख सकते हैं, इसका हाफ कर दिया तो 86 का आधा 43 और 0.4 का आधा 0.2, इसमें 43.2 ऐड कर दिया तो कितना बन गया, 45.2 आंसर, 45.2। ओके देखो क्या है, फिर से बता देता हूँ, 0.16 था, 12.5 था, ये नंबर थोड़ा अच्छा नहीं लगता मुझे, 125 अच्छा लगता है, 125 अगर अच्छा लगता है तो उससे 125 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, इसमें से इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, बैलेंस रहेंगी चीज़ें, 10 से डिवाइड किया तो ये बन गया, ये 125 बन गया, 125 क्या होता है, 1000/8। ये सब चीज़ें दिमाग में सोचनी है, ऐसा नहीं लिख लिख कर करनी है, ये केवल समझाने के लिए लिखा गया है, ये चीज़ें दिमाग में आपको सोचनी है। 1000/8, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 बटा 8 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें देखो 0.5 का मतलब होता है 1/2, 2 से डिवाइड कर दिया 43.2 और 2 को जोड़ना दिमाग में कितना ही मुश्किल है, बहुत ही आसान है, 45.2 आंसर हो जाएगा। ओके क्लियर है, चलो देखो बेसिक बेसिक बातें हैं, मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं बता रहा जो आपको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत पड़े, कोई ऐसा मेथड यहाँ नहीं बता रहा जो याद करने की ज़रूरत पड़े, एग्जाम में भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, एग्जामिनर जो पेपर सेट करता है वो ये नहीं एक्सपेक्ट करता कि आप ये करके बताओ, 3333 × 3333, इस तरह के क्वेश्चन आपको रेयरली कभी देखने को मिले होंगे, राइट, क्योंकि ये वही कर सकते हैं इनको ट्रिक पता है, राइट, और ट्रिक एग्जाम में आती नहीं, एग्जाम में जो है शॉर्ट ट्रिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती, ठीक है, कुछ चीज़ें यूज़ हालांकि भले ही होती हैं, कुछ स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट की टेक्निक्स, ठीक है, वो चीज़ हम सीख लेंगे, लेकिन ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं, और ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 50% का मतलब क्या होता है, अब इस पर बेस में क्वेश्चन आपको दूंगा, 1/2 होता है, ठीक है, 25% इसका आधा होता है, क्या होगा, 1/4 होगा, ठीक है, इसका भी आधा कितना हो जाता है, 12.5% कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, 1/4 का आधा 1/8, इसका भी आधा कर दिया 12.5 का आधा तो 6.25 हो गया, कितना हो गया, 1/16, इसका भी हाफ कर दिया, अगर इसका भी हाफ कर दिया तो क्या बनेगा, 3.250 का आधा 125, 3.125% कितना होगा, 1/32, क्लियर है बात यहाँ तक। अच्छा अगर मुझे 12.5 पता है तो इसका 3 गुना क्या होगा, 37.5, 3/8, इसका 5 गुना क्या होगा, 62.5, मतलब 5/8। ओके ये तीन चीज़ें, ये सारी परसेंटेज वैल्यू और इनके फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, अगर ये पता है तो इनके बेस पर हम क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको रियलाइज़ होगा कि चीज़ों को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। चीज़ें पता होना, उनका एप्लीकेशन आना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये चीज़ें आपको पता है, अभी मैंने लिख दी आपको पता होगी, आप याद भी कर लोगे, लेकिन इनको अप्लाई कैसे करना है उसके लिए आपको क्वेश्चन चाहिए, वो क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूँ। क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन, 62.5%, अभी एक आसान क्वेश्चन देता हूँ, ऑफ 168 इज इक्वल टू व्हाट, ये क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, 62.5% ऑफ 168, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा, 62.5% ऑफ 168, तो पवन का सबसे पहले आंसर है 20, अर्पिता ने बोला 105,
ओके 105, 105 लोगों के आंसर है। क्या करना है देखो, 62.5% मुझे दिखा और मुझे याद है कि 62.5% का मतलब 5/8 होता है, तो मैं इसको 5/8 से रिप्लेस कर दूंगा सीधे सीधे और 168 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, 8 से कैंसिल करूंगा दो बार, एक बार 21 × 5 105, कौन सी बड़ी बात है। दिमाग में इसको सॉल्व कर सकता था विदाउट यूजिंग पेन, पेन की यहाँ पर बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। 8 से डिवाइड करता 21 आता, 21 को 5 से गुणा कर देता 105 हो जाता। क्लियर है? ठीक है, तो ये तो आसान क्वेश्चन था, सीधे सीधे 62.5 आपको दिख गया और वो मुझे याद था, सामने लिखा भी हुआ है 5/8 होता है। ठीक है, तो मैंने इसको कर दिया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपको दूं तो इस तरीके से देता हूं, 13.75% ऑफ 1632, 1632 का 13.75% क्या होगा, ये क्वेश्चन है, क्या इसका आंसर होगा। थर्टीन पॉइंट सेवन फाइव परसेंट ऑफ 1632। चलिए आई एम वेटिंग, जैसे ही आंसर आएगा मैं यहाँ पर बताना शुरू करूँगा आपको। अभी तक किसी का आंसर नहीं आ पाया है, लेट्स सी। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने मुश्किल दे दिया, 13.75 डायरेक्ट ना देकर थोड़ा सा इनडायरेक्ट दे दिया, तो आप थोड़ा सोच में पड़ गए कि अब क्या करेंगे। 13.75 तो नहीं पता, बहुत सारे लोग ये भी कर रहे होंगे 13.75 डिवाइड बाई 100 इंटू ये कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन वो करना बहुत आसान नहीं है, ठीक है, मुश्किल है। 104, 206.4, 612, 612, 224, अलग अलग आंसर यहाँ पर आ रहे हैं। देखो क्या है, करना क्या है, मुझे पता है 13.75% की वैल्यू मुझे नहीं आती, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि 13.75% से पहले एक वैल्यू है जिसकी परसेंटेज वैल्यू मुझे पता है, फ्रैक्शन वैल्यू मुझे पता है, वो है 12.5%। अगर मैं इसे 12.5 में ब्रेक करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, 12 और 1 13 होता है, तो यहाँ पर 1 ऐड करना पड़ेगा, 0.5 और 0.25, 0.75, इस तरीके से मैं ब्रेक कर सकता हूँ। 12.5 और 1.25 का सम कितना होता है, 13.75 होता है। क्लियर है? 12.5 पता है 1/8 होता है, ठीक है, इसका 1/8 निकाला, 8 से डिवाइड किया 1/8, इसको 8 से डिवाइड किया तो कितना होगा, जरा देखो, 8 दो बार, जीरो बार, चार बार, 204, 1600/8 200 और 32/8 मतलब 4, तो 200+4 204 हो गया। अच्छा, अगर 12.5 और इसमें एक रिलेशन नज़र आता है, क्या नज़र आता है कि इसका 1/10 है, इसका 1/10 है, इसका 1/10 अगर ये है, तो अगर ये 204 है तो इसका 1/10 20.4 होगा, यस 20.4 होगा। ठीक है, 204+20.4 224.4 इज़ द एग्जैक्ट आंसर, 224.4 इज़ द एग्जैक्ट आंसर। क्लियर है? 224.4 इज द राइट आंसर। ठीक है, जो लोग इसके अलावा कोई आंसर कर रहे हैं सारे गलत आंसर हैं, राइट? देखो फिर से बताता हूँ मैंने किस तरीके से सोचा, 13.75 जहाँ भी मुझे दिखे मुझे हमेशा ऐसे ही करना है, 12.5+1.25, 12.5 1/8, इसका 1/8 किया तो कितना हुआ, 204 हुआ, और 1.25 अगर 12.5 पता है तो 1.25 अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, इसका 1/10 कर दो आंसर आ जाएगा, इसका 1/10 किया तो कितना हुआ, 20.4, दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया, 224.4। ओके, क्लियर है बात? चलो दूसरा तरीका इसको करने का ऐसे भी हो सकता था, देखो सुनिए ध्यान से बात को, कि मैं इसको इस तरीके से स्प्लिट करता, 6.25%, 20% में से 6.25% घटाएंगे तब भी 13.75 आएगा। 20% क्या होता है, 1/5 होता है, तो यानी कि 1632/5, ठीक है, और 6.25% क्या होता है, 1/16 होता है, तो 1632/16, ठीक है। अब आप देखो कि इसमें क्या करेंगे, 5 से किसी चीज़ को डिवाइड करना हो, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, देखो यूज़ आ गया, 2 से 2 से दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना बना, 3264 डिवाइड बाई 10, यानी कि 3264 डिवाइड बाई 10, 10 से डिवाइड करेंगे तो एक पॉइंट यहाँ आएगा, माइनस 16 से डिवाइड किया तो 102 आया, 102 यहाँ से घटाएंगे तो 6 में से 2 गया तो 4 बचा, ये 2, 224.4 ऐसे भी आ सकता है, लेकिन आई थिंक जो प्रीवियस वाला मेथड है वो बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है, उसमें आपको सीधे 1/10 करना है, दोनों अलग अलग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 12.5 1.25 में एक रिलेशन होता है 1/10 का, ठीक है।
तो 20% माइनस 6.25% करके भी हम इसको कर सकते थे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43.75% ऑफ 960 इज इक्वल टू व्हाट, बताओ क्या होगा। 43.75% ऑफ 960, क्या होगा जल्दी से बताओ आंसर। ठीक है, अगर चीजें पसंद आ रही हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करते चलिए। 43.75% ऑफ 960 क्या होगा, तो प्रशांत कुमार का आंसर आया 520, श्वेतम कुमार झा का आंसर आया 420, अनुरोध का आंसर 420, ठीक है, कुछ लोग 42 भी कह रहे हैं। देखो क्या है, इसको मैं इस तरीके से 0.75 देखा मुझे, मैं ऐसे ब्रेक करूंगा, 50% माइनस 6.25%। 50% क्या होता है, 1/2 होता है, किसका, 960 का, और 6.25% जैसा कि अभी बताया था क्या होता है, 1/16 होता है, किसका, 960 का। ये हो गया 480 इसका आधा, और इसका 1/16 कितना हो गया, 60, तो कितना हो गया, 420, तो आंसर क्या हो गया इसका, 420। क्लियर है बात, ओके, तो आंसर होगा इसका 420। इस तरीके से करेंगे, जो लास्ट क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने 20 माइनस 6.25 किया था, इसमें आपको करना था 50 माइनस 6.25, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूं, व्हाट इज 31.25% ऑफ 6464 क्या होगा, 31.25% ऑफ 6464, ओके, 20.22020 कुछ लोग कह रहे हैं 20.2, जो लोग 20.2 कह रहे हैं वो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं, इतना सोचें कि इसका 1% क्या है, 64.64, लेकिन ये तो 31% है, और आपका आंसर अगर 20.2 आ रहा है तो वो तो बहुत कम है, वो तो 1% भी नहीं है, 31% कैसे हो जाएगा। आप ऐसे सोचो, मुझे पता है कि 3.125% क्या होता है, 1/32, तो 31.25 क्या होगा, 10/32 होगा। देखो एक तरीका बता रहा हूँ मैं इसको सॉल्व करने का, पहले 10/32, देखो 1/32 क्या होता है, 3.125, इसका 10 गुना होगा 31.25, तो क्या हो गया, 10/32 हो गया, 6464। इस तरीके से मैंने आंसर निकाला, ये दो बार कटा, जीरो बार, दो बार, 202 × 10 2020 आंसर राइट। इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया एक स्टेप में, और विद इन 2 सेकंड इसको सॉल्व किया जा सकता है अगर मुझे 3.125% की वैल्यू पता है तो। दूसरी बात, दूसरा मैं इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, ये देखो, ये तो एक तरीका हुआ इसे सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मुझे 31.25% की वैल्यू नहीं पता, तो मुझे पता है कि इसका डबल करूंगा तो क्या आएगा, 31 का डबल 62.25 का डबल 0.5, 62.5% इसका डबल होगा, तो यहां पर डबल कर दो, यहां पर इंटू 2 कर दो, और यहां पर डिवाइड बाई 2 कर दो, तो चीजें बैलेंस हो जाएंगी। ठीक है, यहां पर इंटू 2 किया तो कितना आएगा, 62.5%, डिवाइड बाई 2 यहां पर किया तो कितना आएगा, 3232। 62.5 तो सबको याद होना चाहिए क्या होता है, 5/8 होता है, ये क्या होगा, 3232, 8 से कैंसिल किया 404 बार, 404 इंटू 5 मतलब 2020, 2020 आंसर। इस तरीके से ही मैं इसको बना सकता था। ठीक है, जो चीज़ आपको आती है क्वेश्चन को उस फॉर्मेट में आप ले आओ, अगर वो क्वेश्चन उस फॉर्मेट में आ गया, जो चीज़ आपको आती है उस फॉर्म में आ गया, तो क्वेश्चन उससे आसान कुछ भी नहीं होगा, राइट, क्लियर है। इस तरीके से हम इसको कर सकते थे सॉल्व। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले सवाल की। तो अगला सवाल है 11.25% ऑफ
11.25% ऑफ 824. जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा. कैसे सॉल्व करें इसको. यहां पर सबसे पहले श्वेतम कुमार झा जी का आंसर आया है. श्वेतम कुमार झा ने बोला 92.7, अनुरोध जैन ने बोला 92.7. अभी तक केवल दो आंसर इस क्वेश्चन में आए. अभिजीत का भी आंसर आ गया 92.7. चलो देखते हैं क्या करना है. दिमाग में नहीं आ रहा होगा कि क्या करें यहाँ पर. 11.25 तो पता नहीं, इसका डबल करेंगे तो भी 22.5 बनेगा, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू मुझे नहीं पता है, राइट. तो मैं क्या सोचूंगा यहाँ पर, देखो इस तरीके से सोचूंगा. इसके बाद एक वैल्यू मुझे पता होती है 12.5%. ये 12.5 से कितना कम है, 12 और 11 में एक का डिफरेंस है, 0.5 और 0.25 में 0.25 का डिफरेंस है. 12.5 माइनस 1.25 करेंगे तो 11.25 आएगा, राइट. 12.5 होता है 1/8, किसका, 824 का. कितना होगा, 103. और अगर ये 103 है तो 1.25 इसका 1/10 है, 1/10 है. 1/10 का कितना हुआ, 10.3. 103 में से 10 गया तो कितना बचा, 93. और फिर उसमें 0.3 चला गया तो कितना बन गया, 92.7 आंसर. आंसर है इसका 92.7. उम्मीद है कि जिन लोगों ने आंसर दिया था उन्होंने कैलकुलेटर का यूज नहीं किया होगा. अगर इस तरीके से किया है बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है. 92.7. ठीक है. इसका आंसर हो गया. दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका मैं बताता हूँ आपको. अगर आपको ऐसे नहीं बन पाता तो कैसे करोगे. 11.25 का डबल 22.5 का भी डबल 45 होता है. मतलब मैं इसमें 4 से गुणा कर दूंगा तो ये 0.25 हट जाएगा. और फिर यहाँ पर 4 से डिवाइड कर देता हूँ बैलेंस करने के लिए. यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना बन गया, 45%. और यहाँ क्या कर दिया, 4 से डिवाइड तो 206, ठीक है. 45% मतलब क्या होता है, 50% माइनस 5%. 50% मतलब इसका आधा, 103. तो 5% कितना हुआ, 10.3. अगेन वही काम किया तो 2 वही आएगा, 92.7. ऐसे भी करेंगे तब भी वही आंसर आएगा, 92.7. कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है. चाहे आप ऐसे करो चाहे उस तरीके से सॉल्व करो, वैसे आंसर दोनों मेथड से सेम आएगा, ठीक है. एक और तरीका हो सकता है यहाँ पर, ठीक है. मल्टीपल चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कहाँ कौन सी चीज़ काम आ जाए पता नहीं, ठीक है. तो एक और चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं. 10% प्लस 1.25%. 10% क्या होगा इसका, 1/10 यानी कि 82.4. और 1.25% क्या होगा, 12.5% का 1/10. 12.5% 1/8 मतलब 106. 8 से डिवाइड किया तो कितना हुआ, 103. और फिर क्योंकि ये 12.5% का 1/10 है तो 10.3 कर दिया. दोनों को ऐड करो जरा कितना आएगा, 92.7 आएगा. इस तरीके से भी कर सकते थे आप, जैसे चाहो मल्टीपल तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई फिक्स तरीके में बंद कर आपको नहीं रहना. आपको तो जैसा क्वेश्चन आए उसके अकॉर्डिंग जो दिमाग में आए उस तरीके से सॉल्व करना है एग्जाम में, ठीक है. कोई भी एक फिक्स मेथड में मत बंधो, राइट. चलिए आगे बात करता हूँ. नेक्स्ट हमारी जो टेक्निक है दैट इज, अब मुझे एक टेक्निक की बात और करनी थी क्योंकि समय कम है, ठीक है. तो मैं जो है मेन जो चीज़ आपको बताना चाहता हूँ दैट इज कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है. फ्रैक्शन करने कंपेयर करने का एक बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है. देखो दो तरह की फ्रैक्शन होती हैं, एक होती है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है. अब देखो दोनों में अंतर क्या है वो मैं बताऊंगा. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अंतर क्या है. देखो जैसे कि अगर कोई फ्रैक्शन है a अपॉन b, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि a इज लेस देन b, जो न्यूमरेटर है वो कम होता है डिनोमिनेटर से. और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि a इज ग्रेटर देन b.
जो न्यूमरेटर है वो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। जैसे कि अगर मैं बात करूंगा 2/3, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर? यहां पर a लेस देन b है, मतलब न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये कैसी फ्रैक्शन है? प्रॉपर। अब इस चीज का यूज क्या है वो मैं बताऊंगा। और अगर मैं लिखता हूं 3/2, ये कैसी है? इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर क्यों? क्योंकि यहां पर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है। ओके चलो, अब देखो ये 2/3 तो प्रॉपर फ्रैक्शन हुई क्योंकि यहां पर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई क्योंकि यहां पर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है। देखो इसको प्रॉपर और इम्प्रॉपर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से बिहेव करती है, इसको ये प्रॉपर बोलते हैं। ये इम्प्रॉपर तरीके से बिहेव करती है इसलिए इम्प्रॉपर बोलते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर कुछ भी ऐड करूंगा, जैसे कि दोनों में अगर मैं सेम चीज़ 1 ऐड की, लेट से यहाँ पर 2+1 और 3+1 दोनों में 1 ऐड कर दिया। देखो ध्यान से समझना चीज़ों को वरना क्लियर नहीं होगी। ये क्या बनेगा? 3/4। बताओ कि 2/3 बड़ा होता है कि 3/4 बड़ा होता है? 2/3 ऐसे लिखा, 3/4 ऐसे लिखा। मैं देखा कि जब मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड आपको पता होना चाहिए कंपैरिजन का, बहुत ही आसान मेथड है, उसमें कुछ है नहीं। 4 × 2 = 8, 3 × 3 = 9, कौन सी साइड बड़ी है? राइट साइड। मतलब दोनों में अगर मैंने प्लस किया 3/4 आ गया जो कि इससे बड़ा था। मतलब अगर दोनों में मैंने सेम चीज़ ऐड करी तो ये बड़ी हो गई, ये प्रॉपरली बिहेव कर रही है। अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो वैल्यू बढ़ रही है, राइट? अगर मैं दोनों में कोई चीज़ ऐड कर रहा हूँ तो वैल्यू बढ़ रही है, मतलब प्रॉपरली बिहेव कर रही है, इसलिए हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। अगर मैं इसमें से कुछ माइनस करता, लेट्स से 2 में से 1 माइनस कर दिया और 3 में से ही 1 माइनस कर दिया, तो क्या बनता? 1/2 बनता। 1/2, 2/3 होता है 0.66 और 1/2 क्या होता है? 0.5। तो कौन बड़ा है? ये छोटा हो गया, मतलब माइनस करने पर छोटा हो गया। तो मतलब ये क्या है? प्रॉपर, अगेन प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि प्रॉपरली बिहेव किया, मैंने माइनस किया और ये वैल्यू कम हो गई, प्रीवियस वाली वैल्यू से कम हो गई, इसलिए इसको प्रॉपर बोलेंगे। अगर इम्प्रॉपर की बात करूं तो देखो कैसे बिहेव होगा। अगर 3/2 है, इसमें दोनों में 1 ऐड किया, 3+1 = 2+1, तो क्या आएगा? 4/3 आएगा, ठीक है? अब देखो 3/2 बढ़ा है कि 4/3 बढ़ा है, तो इसके लिए कंपेयर किया 3/2 एंड 4/3 को इस तरीके से, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 × 3 = 9 हो गया, 4 × 2 = 8 हो गया। कौन बढ़ा है? 9 बढ़ा है। मतलब ये जो फ्रैक्शन है 4/3 वो छोटी है, मतलब ऐड करने पर ये वैल्यू कम हो गई। कुछ चीज़ मैंने दोनों में ऐड की और ये वैल्यू कम हो गई, इम्प्रॉपर बिहेव कर रही है। ऐड करने पर वैल्यू बढ़नी चाहिए थी लेकिन ये उल्टा कम हो गई, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर। अगर यहाँ से कुछ घटाते तो 3-1 और 2-1 करते तो क्या हो जाता है? 2/1। क्लियर सी बात है कि 3/2 तो 1.5 होता है और ये क्या होता है? 2। मतलब 1.5 छोटा है और ये बड़ा है, मतलब वैल्यू बढ़ गई, माइनस करने पर वैल्यू बढ़ गई, माइनस करने पर वैल्यू बढ़ गई, मतलब उल्टा बिहेव किया। कम किया मैंने यहाँ पर, माइनस किया लेकिन वैल्यू बढ़ गई, उल्टा बिहेव कर रही है, इसलिए हम इसको इम्प्रॉपर बोलते हैं, ठीक है? अब प्रॉपर और इम्प्रॉपर में जैसे ही आपको मतलब समझ में आया, अब मैं इसके आगे की कहानी बताऊंगा कि प्रॉपर इम्प्रॉपर का यूज़ क्या है फ्रैक्शन के कंपैरिजन में। जैसे कि ठीक है, प्रॉपर इम्प्रॉपर अगर आप समझ गए तो अब आपको चीज़ें देखो कितनी आसान लगने लगेंगी। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि 2/3, एक बहुत ही आसान एग्जांपल शुरुआत करता हूं, 2/3 और 3/4 में कौन बड़ा है? तो आप देखोगे कि दोनों कैसी फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले इनका गैप देखते हैं, इन दोनों का गैप कितना है? 1 का गैप है। इन दोनों का गैप कितने का? 1 का गैप है। तो जो प्रॉपर फ्रैक्शन बिहेव करेगी वो न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग बिहेव करेगी, मतलब अगर यहाँ 3 बड़ा है या 2 छोटा है तो ये वाली बड़ी होगी। प्रॉपर फ्रैक्शन है, पहले सबसे पहले हमें इनका गैप देखना है। अगर गैप बराबर है, बराबर नहीं होगा तो क्या करेंगे वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन अगर गैप बराबर है तो प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर की तरह बिहेव करेगी। अगर यहाँ पर 3/2 होता और यहाँ पर 4/3 होता, ठीक है, ये कैसी फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यहाँ पर गैप 1 का है और यहाँ पर भी गैप 1 का है, दोनों का गैप 1 है, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर तरीके से बिहेव करती है, मुझे देखना केवल न्यूमरेटर को है, डिनोमिनेटर को देखना नहीं है। देखो कि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, इम्प्रॉपर बिहेव करेगी, मतलब उल्टा होगा, 3 वाला बड़ा होगा, 4 वाला छोटा होगा, मतलब ये बड़ा होगा, मतलब ये बड़ा होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर ये चीज़ क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है? ये चीज़ क्लियर है तो इस पर बेस बड़े बड़े क्वेश्चन देखेंगे। अगर ये क्लियर नहीं है तो पहले यहाँ पर ये चीज़ आप क्लियर करो। फिर से बताता हूँ कि 2/3 और 3/4 दोनों में गैप 1 का था, दोनों में गैप 1 का था, दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन थी। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, प्रॉपर है। प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपरली बिहेव करेगी। अगर गैप बराबर है तो यहाँ 3 बड़ा है या 2 छोटा है तो ये वाला पार्ट बड़ा हो जाएगा। ये दोनों फ्रैक्शन कैसी थी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। गैप दोनों में देखा मैंने बराबर था। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर बिहेव करेगी। ये 3 छोटा है, 4 बड़ा है, तो जो छोटा वाला पार्ट है वो बड़ा हो जाएगा, मतलब 3/2 बड़ा है 4/3 से। ओके ठीक है, चलो एक बात तो क्लियर ये है, ये बात क्लियर है। चलो अब थोड़े बड़े क्वेश्चन पर हम इस चीज को कैसे यूज करेंगे। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि 23/24 और 24/25 में से कौन बड़ा है, तो बताओ आप।
देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड इफेक्टिव नहीं है, राइट। मैं इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे समय लगेगा, ठीक है। और बड़े बड़े नंबर, ये तो दो दो डिजिट के नंबर है, तीन तीन डिजिट की अगर कंपैरिजन आ गया तो मुझे और टफ हो जाएगा, मेरा काम और टफ हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उस वाले मेथड को अवॉइड करूंगा, ठीक है। मैं इसको कैसे करूंगा मैं आपको बताता हूं, जो प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया उसी से इसको सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले मुझे गैप देखना है, 2324 में गैप कितने का, एक का, 2425 में गैप कितने का, एक का, ठीक है। दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन है, दोनों कैसी फ्रैक्शन है, प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर तरीके से वेव करेगी, जो छोटा होगा वो छोटा होगा, जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा। 2324 में कौन बड़ा है, 24 बड़ा है, मतलब ये वाला पार्ट बड़ा। एक मिनट में आप आंसर निकाल सकते हो, कोई क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ भी करने की जरूरत नहीं, केवल गैप देखना है, आंसर दे देना है, बस ये देखना है प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अभी मैं यहां पर उल्टा कर देता कि इस तरीके से पूछ लेता कि 24 बटा 23 ये फ्रैक्शन इम्प्रॉपर थी, और 24 बटा 23 और 25 बटा 24 में से कौन बड़ा है, 24/23 एंड 25/24 में कौन बड़ा है। तो मैं देखूंगा कि यहां पर एक का गैप है, यहां पर भी एक का गैप है, गैप बराबर है, तो कैसी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये कैसी फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर मतलब प्रॉपरली वेव नहीं करेंगी, जो छोटा होगा वो बड़ा होगा, जो छोटा दिखेगा वो बड़ा होगा और जो बड़ा दिखेगा वो छोटा होगा। यहाँ पर 25 और 24 में बड़ा कौन दिखता है, ये दिखता है, तो ये छोटा होगा, मतलब ये वाला पार्ट बड़ा है, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उल्टा वेव करेगी, इम्प्रॉपर में उल्टा हो जाता है। और देखना केवल मुझे न्यूमरेटर को है, डिनोमेटर को देखते ही देखना ही नहीं है, केवल गैप बराबर कर लो बस, ठीक है। अर्पित गुप्ता थोड़ा स्टेप अपना थोड़ा स्पीड स्लो रखिए, मैंने आपको बताया है कि गैप अगर बराबर नहीं हो तो वो चीज़ मैं बताऊंगा, पहले अगर गैप बराबर हो तब कैसे कंपैरिजन करते हैं वो चीज़ सीख लो, राइट। गैप बराबर नहीं होगा तो मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। देखो ये बात हुई प्रॉपर इम्प्रॉपर का, मतलब आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, अगर मुझसे इस तरीके से पूछा गया है, लेट्स से, अब एक बड़ा क्वेश्चन आ गया, 341/349, ठीक। अब आप बताओगे इसका आंसर क्या है, और 651 and 659, इनमें से कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना जिनको आता है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करते रहें, मुझे नहीं पता कि वो क्रॉस मल्टीप्लाई इनका कैसे कर पाएंगे एग्जाम में कम समय में, लेकिन जिनको ये वाला मेथड पता है, जो मेथड मैंने बताया आपको, अगर वो पता है तो आप एक सेकंड में इसका आंसर विदाउट यूजिंग पेन बता सकते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। देखो क्या है कि 341, 341 और 349 दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन है, दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन है। देखो कंपैरिजन अगर होगा तो दो प्रॉपर या दो इम्प्रॉपर इनका ही होगा, एक इम्प्रॉपर और एक प्रॉपर होगा ही। जैसे कि अगर मैंने ऐसे कह दिया कि 2/3 और 4/5 या लेट्स से 5/2, इनमें से कौन बड़ा है, तो आप देखते ही बता दोगे, एक वन से छोटा है, एक वन से बड़ा है, तो यही बड़ा है, ठीक है। तो ऐसा कंपैरिजन कभी नहीं आता एग्जाम में, या तो दोनों प्रॉपर होंगी या दोनों इम्प्रॉपर होंगी, ठीक है। इसीलिए हम वैसे ही केस ले रहे हैं जो एग्जाम में आते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ गैप कितने का है, 8 का गैप है, और यहाँ पर गैप कितने का है, 8 का गैप है, गैप बराबर है, तो चिंता करने की बात ही नहीं है। दोनों कैसी फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन तो प्रॉपर तरीके से वेव करेगी। ये मुझे बड़ा दिखता है, ये छोटा दिखता है, तो यही पार्ट बड़ा है, बस खत्म, कहानी यहीं खत्म हो गई। सेकंड वाली फ्रैक्शन बड़ी है, 651/659, देखो गैप बराबर थे, गैप बराबर थे और दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन थी जो कि प्रॉपरली बिहेव करती हैं, तो न्यूमरेटर अगर बड़ा है तो फ्रैक्शन बड़ी होगी, तो कौन सी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा है, इस वाली का, तो ये फ्रैक्शन बड़ी हो गई, राइट, 651/659, ओके। चलो आगे बढ़ता हूँ, आपको अगला सवाल देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब अगर इस तरीके से सवाल आया, मुझे दिए गए हैं लेट्स से 4 ऑप्शन, A is 23/24, B is 25/26, इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, C is 81/82 एंड D is 79/80, ठीक है। आपको इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ABCD को असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, असेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में लगाना है इनको, बढ़ते हुए क्रम में, तो ABCD में बढ़ते हुए क्रम में लगाओ, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, तो बताओ क्या ऑर्डर होगा।
बताएंगे। दीपक का कहना है कि सर बराबर नहीं है गैप, उसके बाद इसके बाद हम उसी चीज पर आने वाले हैं। तो फिलहाल आप इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कि असेंडिंग ऑर्डर यहां पर क्या होगा। अगर गैप बराबर ना हो तो वो चीज मैं बताऊंगा आपको। ए बी डी सी, चुलबुल पांडे जी का आंसर है ए बी सी डी। चलो ए बी सी डी कुछ लोग आंसर कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग ए बी डी सी कर रहे हैं। आई थिंक वो सीख चुके हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि सारी की सारी प्रॉपर फ्रैक्शन है तो प्रॉपरली बिहेव करेंगी, मुझे केवल न्यूमरेटर को देखना है। यहाँ पर गैप देखा एक का है, यहाँ पर गैप कितने का एक का, यहाँ पर गैप कितने का एक का, यहाँ पर गैप कितने का एक का, सब में गैप बराबर है तो मुझे कुछ करना ही नहीं है। मुझे बढ़ते हुए क्रम में लगाना है तो केवल न्यूमरेटर के बढ़ते हुए क्रम में लगा दूंगा इनको, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपरली बिहेव करेंगे। तो सबसे पहला कौन सा आएगा ए, फिर उससे बड़ा कौन सा है बी, फिर 25 से बड़ा कौन सा है डी 79, फिर इससे बड़ा कौन सा है 81, यानी कि सी आंसर इज ए बी डी सी। केवल इतना ही देखना था और कुछ करना नहीं था, कोई क्रॉस मल्टीप्लाई या ये सब मेथड की जरूरत नहीं है, राइट। केवल गैप देखकर हम क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, क्लियर है। तो आंसर है ए बी डी सी, ठीक है। चलो आगे मैं बताता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर जो लोग स्टूडेंट की क्वेरी आ रही है कि सर गैप बराबर ना हो तो क्या करें, 43/45 है और दूसरा है 20/23। अब दिक्कत आ सकती है, गैप बराबर नहीं है, ठीक है। देखो क्या है कि दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन तो हैं लेकिन गैप बराबर नहीं है। तो देखो क्या होगा कि यहां पर गैप कितने का है 2 का और यहां पर गैप कितने का है 3 का, ठीक है। 20 और 23 में 3 का गैप है और इन दोनों में गैप कितने का है 2 का। अब गैप बराबर नहीं है तो मैं डायरेक्टली इनको कंपेयर नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूंगा कि 2 के गैप को मुझे 2 और 3 का गैप है तो 2 और 3 का एलसीएम देखो, एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 क्या होता है 6 होता है, 6 बना लूंगा। 6 कैसे बनाऊंगा कि यहां तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहां मैं सॉरी यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6 और यहां 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब आप देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9, 3 4 12 और 45 × 3 135 ये बन गया। अब आप यहां पर देखो क्या बनेगा, 20 × 2 40 और 23 × 2 46। बस देखो यहां पर गैप कितने का हो गया 6 का हो गया, यहां पर भी गैप कितने का हो गया 6 का हो गया। अब आप देखो कि प्रॉपर फ्रैक्शन थी, प्रॉपर वेव करेंगी, 129 40 में से कौन बड़ा है 129, आंसर इज फर्स्ट फ्रैक्शन, पहली वाली फ्रैक्शन, यानी कि 43/45 इज ग्रेटर देन दिस फ्रैक्शन, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर गैप बराबर नहीं है तो आप गैप बराबर कर सकते हैं, राइट। गैप बराबर कैसे कर सकते हैं, एलसीएम के बराबर कर सकते हैं। जैसे कि अगर 2 एंड 3 था तो यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, गैप बराबर हो जाएंगे, क्लियर है, ठीक है। चलो तो ये चीज डेफिनेटली आपको समझ में आई होगी। और यहां पर हमें डिनोमिनेटर निकालने की जरूरत ही नहीं है, हमें डिनोमिनेटर निकालने की जरूरत ही नहीं है, हम तो केवल न्यूमरेटर से चेक कर सकते थे ना। आप ये देखो कि हमारे पास फ्रैक्शन क्या थी, हमारे पास फ्रैक्शन थी 43/45 एंड 20/23, ठीक है। हमें डिनोमिनेटर देखना ही नहीं होता, हमें तो केवल न्यूमरेटर देखना होता है ना। यहाँ पर गैप 2 का था, यहाँ पर गैप 3 का था, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करते और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है, और केवल न्यूमरेटर देख लेते तो 43 × 3 कितना होगा 129 और 20 × 2 कितना होगा 40। क्लियर सी बात है कि ये बड़ा है, मुझे डिनोमिनेटर तो देखना ही नहीं है, यहाँ पर जो आएगा उससे कोई मतलब ही नहीं है, जब उसे देखना ही नहीं तो मल्टीप्लाई करके लिखूं क्यों, मैं तो एक सेकंड में इसको सॉल्व कर दूंगा केवल न्यूमरेटर देखकर, मुझे पता है प्रॉपर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, क्वेश्चन है ये कि अब एक टफ क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है, एक चैलेंजिंग क्वेश्चन, जिसको अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाते। अगर आपसे कोई डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ लेता तो आप नहीं कर पाते। 1110 upon 1111 2221 upon 2223 एंड दिस इज 3331 upon 3334। आपको बताना है लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है इसमें से, ये है ए, ये है बी और ये है सी, ठीक है। ए बी सी में से लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है ये आपको बतानी है। इन तीनों में लार्जेस्ट फ्रैक्शन, सबसे बड़ी फ्रैक्शन इन तीनों में कौन सी है बताओ। तो हरप्रीत ने सबसे पहले आंसर दिया 1110 upon 1111 4 times 1, मतलब ए
आप ए बी सी में आंसर दो इस तरीके से, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, ए बी सी बताओ। लोग कह रहे हैं ए, पक्का लॉक कर दिया जाए ए ऑप्शन, लोग आंसर कर रहे हैं। चलो देखते हैं क्या है। यहां पर गैप कितने का, एक का, यहां देखा तो गैप कितने का, दो का, और यहां पर गैप कितने का, तीन का। तो पहले गैप को बराबर करते हैं, एक दो और तीन का एलसीएम क्या होता है, छह। इसको छह बनाने के लिए छह से मल्टीप्लाई किया, और मुझे डिनोमिनेटर देखने नहीं है, मुझे केवल न्यूमरेटर देखने, सारी की सारी प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, तो केवल न्यूमरेटर देख लेंगे, और डिनोमिनेटर तो इम्प्रॉपर में भी नहीं देखने होते, केवल न्यूमरेटर ही देखना होता है। यहां पर छह से मल्टीप्लाई किया तो 6660 आएगा ऊपर, यहां पर छह लाने के लिए तीन से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि तीन इंटू दो ही छह बनता है, तीन से मल्टीप्लाई किया तो 6663 आ जाएगा, अपॉन कुछ भी आए। और यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर तीन से तीन है तो दो से मल्टीप्लाई करेंगे छह आ जाएगा, दो से मल्टीप्लाई किया 6662 आ जाएगा। नीचे कुछ भी हो, यहां पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, राइट। अब देखो 6660, 6663, 6662 कौन सा सबसे बड़ा है, ये वाला, मतलब सबसे बड़ी फ्रैक्शन, आंसर इज बी, आंसर इज बी। तो अधिकतर सारे लोगों का आंसर यहाँ पर गलत था, जो लोग ए आंसर शुरुआत में कर रहे थे सबका आंसर गलत है, आंसर इज बी लार्जेस्ट। अगर आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग में लगाना है, लेट्स से डिसेंडिंग में लगाना है, तो सबसे बड़ा ये, फिर सी और फिर ए, तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, बी सी एंड ए, राइट। इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर इज बी। तो आप देखो इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन, जो लार्जेस्ट फ्रैक्शन यहाँ पर निकालनी थी, आप इसको विदाउट यूजिंग पेन भी कर सकते थे, राइट। केवल हमें न्यूमरेटर देखने थे, और प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है तो हम इसको ऐसे ही कर सकते हैं, हमें कोई भी क्रॉस मल्टीप्लाई और ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, छोटा सा क्वेश्चन। लेट्स से हमसे पूछा है कि इन दोनों में कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, 53/56 एंड 24/29। चलो एक क्विक रिवीजन जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन में जल्दी से बताओ इन दोनों में कौन सी फ्रैक्शन बढ़ी है, 53/56 एंड 24/29 में। ठीक है, देखो क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, केवल डिफरेंस देखो, यहां डिफरेंस कितने का है, तीन का, यहां डिफरेंस कितने का है, पांच का, यहां तीन का डिफरेंस है, यहां पांच का डिफरेंस है, दोनों ही प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो यहां पांच से मल्टीप्लाई कर दो और यहां तीन से मल्टीप्लाई कर दो, तो पंद्रह हो जाएगा पांच और तीन का एलसीएम। देखो क्या होगा, पांच से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15 कैरी 1, दिस इज 26 डिवाइडेड बाई, नीचे कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तीन से मल्टीप्लाई किया तो 24 × 3 72 होता है, नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रॉपर फ्रैक्शन है तो प्रॉपरली बिहेव करेंगे, जो बड़ा है, बड़ा दिखता है वही बड़ा होगा, राइट, जो छोटा दिखता है वही छोटा होगा, मतलब 265 वाला जो फ्रैक्शन है, मतलब पहला वाला जो फ्रैक्शन है, दैट इज ग्रेटर, ठीक है, ए ऑप्शन, ए, ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर ग्रेटर फ्रैक्शन था ये वाला, ये था स्मॉलर, ठीक है। तो आपको ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया, डेफिनेटली आपने, आप में से बहुत सारे, मतलब 99% लोगों ने पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा, कुछ आपको डेफिनेटली नया सीखने को मिला होगा यहाँ पर, और कैलकुलेशन की छोटी छोटी टेक्निक्स हैं वो भी आपको सीखने को मिली होंगी, राइट। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर भी कीजिए, ठीक है, क्लियर। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। प्रेस द बेल आइकन on the YouTube app and never miss another update from Adda247. Bell icon dabaiye, Adda247 ki sari notifications paiye. Adda247, government job in your pocket.